देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,39,000 को पार कर गया है। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,38,845 है, जिसमें 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,977 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 90 हो गई है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता देख गाजियाबाद प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया। बॉर्डर सील होने के बाद गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। करीब 3 किलोमीटर तक जाम लगा है। असल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता हुआ देख गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अब तक 3,000 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों का संचालन हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए मजदूरों की मदद के लिए विभिन्न राज्यों से और सहयोग करने की गुजारिश की। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का लेखा जोखा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। गोयल ने कहा, महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों की सूची कहाँ है? रात के 2 बजे तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 46 ट्रेनों की ही सूची मिली। इनमें से 5 ट्रेनें तूफान प्रभावित बंगाल और उड़ीसा के लिए थी, जिन्हें संचालित नहीं किया जा सकता है। 125 ट्रेनों के लिए तैयार होने के बावजूद हम सोमवार को महाराष्ट्र से केवल 41 ट्रेनें नोटिफाई कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का यह संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्थल पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण फिलहाल रोक दिया है। यह जानकारी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम ने सोमवार को दी। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के कारगर होने की बात कही है। उन्होंने यहाँ तक बताया था कि संक्रमण से बचने के लिए वो खुद ये दवा ले रहे हैं। WHO प्रमुख ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दवाओं के ट्रायल में शामिल लोगों के डाटा का परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद HCQ का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। जिन लोगों पर अन्य दवाओं के परीक्षण चल रहे हैं वे फिलहाल जारी रखेंगे।